सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आज जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट वीडियो होगा माइलेज टेस्ट के ऊपर NS 200 के। सो अभी हम लोग निकल गए माइलेज टेस्ट के लिए। ओके, एंड ये वीडियो बेसिकली 50% ट्रैफिक में, 50% सिटी में भी मैं राइड करने वाला हूँ, एंड 50% मैं हाईवे पे भी राइड करने वाला हूँ, ताकि एक अपने को एक्यूरेट NS 200 का माइलेज मिल जाए। ओके, सो अभी एक्चुअली मेरे गाड़ी में थोड़ा बहुत पेट्रोल है, तो फटाफट से उसको मैं खाली करके ले लेता हूँ पेट्रोल को। ओके, सो आज नियर अबाउट 40-45 किलोमीटर्स की राइड होगी, उसमें ही पता चलेगा। कंपनी तो क्लेम करती है 35-40 मिलता है एवरेज, बट अभी देखते हैं कैसा है, क्या होता है, कितना आता है एवरेज। सो फटाफट से मैं पेट्रोल ख़त्म करके ले लेता हूँ मेरे गाड़ी में। नियर अबाउट 50-60 रुपीज़ का पेट्रोल रहेगा, और क्योंकि मैंने 2-3 दिन से पेट्रोल डाला नहीं था गाड़ी में, बट 50-60 रुपीज़ का पेट्रोल बाकी रहेगा, तो उसे पहले ख़त्म करके ले लेते हैं, एंड फिर 1 लीटर पेट्रोल डाल के ले लेते हैं। मैंने अलग सा बॉटल में लेके रखा हुआ है, ताकि अपने को एवरेज पता चल जाए। एक बार वो अगर पता चल गई तो फिर बाद में उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। गाड़ी ने अभी मिसिंग करना स्टार्ट कर दिया है, ये देखो मिसिंग कर रही है गाड़ी, बहुत सारे झटके दे रही है। मेरे हिसाब से मैंने और 5-10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए रहेंगे 50-60 रुपए के पेट्रोल में। सो देखते हैं इसको पूरा ही, मतलब खाली करते हैं, एंड जैसे ही खाली होगी फिर हम 1 लीटर इसमें पेट्रोल डाल के देखेंगे। ये देखो बंद हो गई, अभी प्रॉपरली लगता है बंद हो चुकी है पूरी, एक जगह पे लगा के। बंद हो गई है। सो ज़्यादा बैटरी को ना लोड देते हुए फटाफट से 1 लीटर इसमें प्रॉपर सही से पेट्रोल डाल के लिया। सो ये 1 लीटर मैंने पेट्रोल लिया था, पूरी गाड़ी ड्रेन हो चुकी है, बिना वेस्ट किए हुए डाल रहे अभी। ओके, वन फोर एट सिक्स फोर मेरा टोटल गाड़ी का रनिंग हो चुका है, 14864। ओके, डिस्प्ले हो ही रहा रहेगा स्क्रीन पे। सो देखते हैं गाड़ी अभी एवरेज कितने का देती है, एंड इसे कॉन्स्टेंटली हम लोग 50-60 रखेंगे। एंड ऑल्सो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा पावर ही पेट्रोल प्रेफर करता हूँ मेरे गाड़ी में, क्योंकि जब से मैंने बाइक ली है तब से मैं पावर पेट्रोल ही यूज़ कर रहा हूँ मेरे गाड़ी में। ठीक है, 20 किलोमीटर्स में हाईवे पे चलाने वाला हूँ, एंड 20 किलोमीटर्स मेरा सिटी में होने वाले, ताकि एक अपने को प्रॉपर एवरेज निकल सके। ओके, गाइस अभी 10 किलोमीटर हो गए, 10 किलोमीटर्स कंप्लीटेड। सो भाई लोग 20 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी और देखते हैं कितना रन होता है गाड़ी 1 लीटर में। एंड आपको एक और एक बात बताना चाहूँगा कि ये पावर पेट्रोल का एवरेज रहने वाला है, सादे पेट्रोल का नहीं, क्योंकि मैंने जब से गाड़ी ली है तब से मेरी गाड़ी को पावर की आदत लगाई हुई है, तो इस बार भी पावर का ही एवरेज निकालने वाले हम लोग, देखते हैं कितना आता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ 14891 हो गए, एंड गाड़ी बहुत ही अभी मिसिंग करने लग गई है।
देखते हैं अभी कहाँ तक जाती है। वैसे मैंने ये देखो मिसिंग कर रही है, बट देखते हैं स्ट्रेच करके थोड़ा बहुत कि कहाँ तक गाड़ी जाती है लेके। ये पूरी बंद हो गई। अभी का कुछ ओडोमीटर है 14891 14891। सो डिफरेंस आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है। अभी का एवरेज आया है 27 किलोमीटर पर लीटर, जो कि मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया। एक्चुअली मेरे को एक्सपेक्टेशन थी 30 नियर अबाउट 30 35 देना चाहिए था गाड़ी ने, बट चलो नेवर दी लेस जो भी आया वो सही आया है। मतलब 27 किलोमीटर पर लीटर। एंड ये भी मिथ है, क्लियर हो गया कि पावर पेट्रोल क्या आपके गाड़ी को ज़्यादा एवरेज देता है। सो मेरे हिसाब से 1-2 किलोमीटर का ही कुछ फ़र्क आता है, उसके ऊपर का तो आता नहीं है मेरे हिसाब से। एंड पावर पेट्रोल का बस एक ही मतलब बेनिफिट है कि आपके जो टैंक में है वो कचरा जाता नहीं है, बिकॉज पावर पेट्रोल फिल्टर्ड रहता है, एंड जो अपन सादा डालते पेट्रोल वो अनफिल्टर्ड रहता है। बस यही एक सीन है एंड यही बेनिफिट है उसका, और कुछ नहीं। सो ये था आज का वीडियो। होप करते हैं आपका एक मिथ क्लियर हो गया रहेगा ये वीडियो की वजह से। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो भाई लोग बनता है, एंड अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर लेना प्लीज़, बिकॉज वीडियो बनाने में भाई लोग बहुत मेहनत जाता है। एंड बहुत लोग के मैसेजेस आते हैं कि भाई एडिटिंग आपकी कौन करता है, एंड ऑल्सो मतलब वीडियो शूट करने के लिए कोई है क्या। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मेरे फ्रेंड ही है और कोई नहीं है, बाकी एडिटिंग तो मैं खुद ब खुद ही करता हूँ और कुछ नहीं। ओके सो बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना चैनल को। ओके बाय।